हेलो फ्रेंड्स, कुक विद सुचिता में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं ढाबे वाली तड़का दाल। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको हम लोग रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। बट जब भी हम लोग ढाबे में जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये वाली दाल हम लोग के घर में क्यों नहीं बन पाती। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ ये दाल बनाने के लिए हम लोग किस किस दाल का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग दालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि मैंने लिया है चना दाल, ये उड़द दाल लिया है मैंने, और उसके साथ ही यहाँ पे ये थोड़ा सा राजमा लिए हैं, थोड़ा सा लाल चना लिए हैं, और उसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग ने खड़ा मूंग लिया है। तो खड़ा मूंग की जगह आप लोग मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को मैंने धो के पानी में मैंने फुला दिया था और हमने इसको अलग अलग फुलाया है क्योंकि इनके फूलने का टाइम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कुकर में डाल के चना और राजमा इसमें डाल के इसको पका लेंगे, क्योंकि जो चना और राजमा है वो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो चना और राजमा का पानी निकाल के उसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो अभी हम सिर्फ इसमें चना और राजमा डाल के इसको पकाएंगे। तो चना और राजमा डाल दिया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि ये दोनों जल्दी से पक जाए। तो बस अब हम लोग कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और चना और राजमा को हम लोग पका लेते हैं। तो इसको हम लोग पकाने के लिए 3 से 4 सीटी लेंगे। इसमें 4 सीटी आ गई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि जो चना और राजमा इसमें लिए हैं वो अच्छे से गला है कि नहीं। तो चना और जो राजमा है वो अच्छे से गल चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छे से दब रहा है, इट मीन्स ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब बस हम लोग इसमें जो बाकी की दालें जैसे कि चना दाल, उड़द दाल और मूंग, उसका भी पानी निकाल के उसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें भी हम लोग पानी डाल के इसको भी हम लोग अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें हम लोग इसके साथ थोड़ा सा मसाले डालेंगे, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी, और हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम लोग कुकर का ढक्कन बंद करके इसको भी हम लोग अच्छे से गला लेते हैं। इसको भी गलने में करीब 2 से 3 सीटी का टाइम लगेगा, और अगर ये अच्छे से नहीं गला है तो इसको थोड़ा सा और सीटी आप लोग ले सकते हैं, मगर ये अच्छे से गला होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये दाल हमारा गल गया है। बस अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम लोग डालेंगे सरसों का तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, और उसके साथ ही इसमें डालेंगे खड़ा ज़ीरा और हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे हींग हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सारी चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जब लहसुन और अदरक थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम लोग प्याज के हल्का गुलाबी होने तक इसको अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाता है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और रस इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसको हम लोग प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला, मसाले में मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सब्जी मसाला हम लोग इसमें डालेंगे। तो इसको डाल के हम लोग इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए इसमें पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो हम लोग मसाला इसमें यूज़ किया है वो अच्छे से पक जाए।
और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ही नमक यहाँ डालेंगे। उसके साथ ही थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और इसके साथ ही थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दाल। तो हम लोग इसमें सारी दाल डाल देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो दाल है वो काफ़ी गाढ़ी है, तो उसके बाद हम लोग को इसमें जितनी गाढ़ी हमको दाल चाहिए उतना हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। तो ये जो दाल होती है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, इसलिए पानी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और हल्की से ये दाल गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो बस उतना ही हमको अमाउंट में इसमें पानी डालना है। तो उसको डाल के हम लोग इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक उबाल आने तक इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो उसके आखिरी में हम लोग उसको गार्निश करेंगे हरा धनिया से। तो आपने देखा ये होटल वाली गाढ़ी गाढ़ी सी तड़का दाल बनके तैयार है। तो बस इसको आप लोग खा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, या मोटी जो रोटी होती है उसके साथ हम लोग इसको खा सकते हैं। और जब भी आप इस दाल को सर्व करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे ये दाल और भी टेस्टी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने एक मोटी रोटी बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल कितनी टेस्टी बनी है। दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप इस दाल को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको ये मेरी दाल तड़का की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।